नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका झा। प्रयागराज करछना के गांव में पति ने महिला बच्चों को मारने के बाद घर के बॉक्स में जलाया। प्रयागराज जिले के करछना थाना इलाके में सुबह 8 बजे के करीब एक महिला और दो बच्चों की हत्या के बाद घर के अंदर ही जलाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जैसे ही मृत महिला के मायके वालों को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने करछना थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोहे के बॉक्स से दोनों बच्चों के शव को अधजली हुई हालत में बाहर निकाला। महिला की लाश भी अधजली हालत में जमीन पर पड़ी हुई मिली। मृत महिला का नाम उषा पटेल है। मृतका के मायके वालों ने महिला के पति गणेश प्रसाद पटेल और उसके ससुर पर हत्या करके जलाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के अनुसार उनकी बेटी से ससुराल वाले दहेज की मांग करते हुए आए दिन उससे मारपीट करते रहते थे। परिजनों अनुसार उनकी बेटी व उसके बच्चों की हत्या के बाद सबूत मिटाने हेतु घर के अंदर ही आग लगाकर शवों को जलाने की कोशिश की गई। गुस्साए मृतका के परिजनों ने काफी देर तक हंगामा करते हुए इंसाफ की गुहार लगाते हुए तीन हत्याओं के मामले में दोनों आरोपियों को सीधे सीधे फांसी की सजा की मांग की है। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना 320 धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए मृतक महिला के पति और ससुर को जेल भेज दिया है। पुलिस अनुसार हत्या के कारणों का सही से खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। ऐसे दिल दहला देने वाली घटनाएं हमारे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती हैं। पश्चिमी दिल्ली उत्तम नगर से समाज सेविका भारतीय महिला पार्टी अध्यक्ष शीतल वर्मा अनुसार इस तरह की घटनाओं को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक होता कतई भी नजर नहीं आ रहा है। आज के युग में भी महिलाओं का होलिका दहन जारी है। अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट। ये तो देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। आज यहाँ हुई है, कल कहीं और होगी। ये तो हमारे देश की सरकार को चाहिए कि वो क्या कर रही है, उसने योगी सरकार ने क्या व्यवस्था की है महिलाओं के लिए, क्या कर रहे हैं ये लोग। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लगता है ये कहीं सार्थक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगता है ये सिर्फ जुमलेबाजी है। सही कहती है पब्लिक कि मोदी सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। और इस घटना के बाद आप प्रशासन से या उत्तर प्रदेश में जो योगी प्रशासन है, शासन है, और केंद्र में मोदी शासन है, इससे आप क्या अपेक्षा करती हैं, क्या चाहती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है, अपेक्षाएं तो बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। तभी तो ये एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। कहीं पर रेप होता है, कहीं पे मर्डर होता है, कहीं पे चोरी होती है। इस तरीके की रोज घटनाएं सामने आ रही हैं। हम महिलाओं का इस देश में रहना भारी हो रहा है। आज इलाहाबाद जिले में हुई है,